अच्छा, इस क्वेश्चन में लैम्डा प्लस म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ए हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसको हमने मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। ए आई जे 3x3। अच्छा, जब इसको लैम्डा प्लस म्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा मैट्रिक्स ए को, लैम्डा प्लस म्यू तो लैम्डा प्लस म्यू एक स्केलर होगा, ये इसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स की, तो ये बन जाएगा लैम्डा प्लस म्यू ए आई जे, ठीक है। अब हम हर एक एंट्री के साथ लैम्डा को लैदा से लिख सकते हैं और म्यू को लैदा से लिख सकते हैं, सो ये इक्वल आ जाएगा लैम्डा ए आई जे प्लस म्यू ए आई जे, ठीक है। इसकी हर लैम्डा हर किसी के साथ लैदा से आ जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी हर एक एंट्री और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ए आई जे इक्वल है ए के, सो ये मेरे पास प्रूव हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए इसमें हमने किया क्या है, देखने में तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हमने इसमें किया तो कुछ भी नहीं है, जो चीज़ गिवन थी उसी को हमने देख, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे एक मैट्रिक्स ए उसने दिया हुआ था, मैंने उसको उस मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया जो मुझे गिवन था, इफ के बाद वाली चीज़ मुझे गिवन है, मैंने उसको लैम्डा प्लस म्यू से मल्टीप्लाई किया उस मैट्रिक्स ए को, सो मैंने लैम्डा प्लस म्यू से मल्टीप्लाई किया तो ए उसी चीज़ के इक्वल है, तो वो इधर लैम्डा प्लस म्यू आ गया, समझे, दोनों तरफ लैम्डा प्लस म्यू हमने लिख दिया। अब ये ए आई जे ये मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे ए वन वन मैट्रिक्स की पहली एंट्री, ए वन टू मैट्रिक्स मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री, ए वन थ्री तीसरी, फिर ए टू वन, फिर ए टू टू, ए थ्री थ्री, सॉरी ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री, ये सारी की सारी उसकी एंट्रीज हैं। सो ये एंट्री लैम्डा प्लस म्यू उसकी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, सो मैंने लैम्डा प्लस म्यू को अंदर उसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब लैम्डा भी हर एंट्री के साथ आएगा और म्यू भी हर एंट्री के साथ, ये हमने बेसिकली कहा कि ये एंट्री चूंकि एक रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर होगी तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। आप आमतौर पर लिखते हो इस तरह से, ठीक है, मैं इधर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। आप लिखते हो 2+3, और अगर लेट से कि इधर एक्स हो तो आप 2 के साथ भी एक्स को लिख देते हो और 3 के साथ 2x, और फिर 3 के साथ भी एक्स को मल्टीप्लाई करते हो। सेम ऐसा ही किया है, लैम्डा को भी उस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आप देखें ना एक्स इधर कोई नंबर है रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर, इधर भी ए आई जे यहाँ कोई रियल नंबर है या कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके साथ ये 2 इसको 3 समझ लें, इसको एक्स समझ लें, बिल्कुल इस वाली एग्जाम्पल में, तो लैम्डा भी इससे मल्टीप्लाई होगा, म्यू भी इससे मल्टीप्लाई होगा। थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। एक आपके पास मैट्रिक्स लिखा हो 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2+3 के साथ, इसे मल्टीप्लाई करते हो तो 2+3 एक स्केलर है, तो ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 2+3 × 1, 2+3 इसके साथ आ जाएगा 3, 2+3 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2+3 इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक एंट्री के साथ 2+। अब 2 1 के साथ भी होगा और 3 भी 1 के साथ, अब ये इसमें ये वाली प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूटिव ला, सो 2 1 के साथ होगा और 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 2+3
टू थ्री के साथ भी होगा और प्लस थ्री भी थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से टू टू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और थ्री के साथ भी होगा, टू फोर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और थ्री फोर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हर एक, अब इसमें ये मैंने पहले वाले टू, ये टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये टू मल्टीप्लाई बाय वन ही आप लिखे ना, थोड़ी आपको इसको भी वन लिखें बाकियों की तरह। तो ये टू मल्टीप्लाई बाय वन ये लैदा कर लिया मैंने, और टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मैंने लैदा लिख लिया, टू मल्टीप्लाई बाय टू मैंने लैदा लिख लिया, और थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मैंने, सॉरी ये टू मल्टीप्लाई बाय फोर मैंने लैदा लिख लिया। इसी तरह से मैंने ये प्लस, ये दूसरे प्लस हो के वो, यानी कि ये सम में मैंने इसको दो डिफरेंट मैट्रिक्स, जैसे दो मैट्रिक्स को जमा करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, और एक मैट्रिक्स अगर लिखा हो तो हम उसको दो मैट्रिक्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। सो टू इसमें से कॉमन निकाल लेंगे जो कि लैम्डा, तो लैम्डा ए लैदा हो जाएगा और म्यू ए। तो ये चीज़ हम बेसिकली इसमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी हम फिर किसी क्वेश्चन में देखेंगे मज़ीद। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग जो हैं इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर सेवन, थर्ड वाला पार्ट आप लोग खुद करना, क्वेश्चन सेवन मैं करवाता हूँ आपको, और मैं इसमें आपको मज़ीद भी एक्सप्लेनेशन दूंगा क्वेश्चन सेवन के अंदर। कहते हैं ए इक्वल है इस क्वेश्चन में हम लोग जो है राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट भी ली जा सकती है, लेकिन मैं ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, अब देखें ए उसने बताया हुआ है कि एक टू बाई थ्री थ्री का मैट्रिक्स है, उसने उसको नाम दिया ए आई जे, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ठीक है। टू रोज हैं, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, बस टू रोज हैं, थ्री कॉलम्स हैं। इसी तरह बी आपके पास जो है बी आई जे, उसने खुद बता दिया ये भी मेरे पास एक टू बाई थ्री का मैट्रिक्स है। देखे ना, सेम ऑर्डर होगा तो ही इनको प्लस किया जा सकता है, अदरवाइज तो दोनों का सेम ऑर्डर है, इसका भी टू बाई थ्री है, इसका भी टू बाई थ्री है। अब लैम्डा इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें टू रोज थ्री कॉलम यानी कि सिक्स एंट्रीज आ रही हैं, तो लैम्डा हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो हमें इसको लिख सकता हूं लैम्डा मल्टीप्लाई होगा ए आई जे, ठीक है। ए आई जे से लैम्डा को लिखने का मतलब है कि मैंने लैम्डा को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। आई वन होगा जे वन होगा तो लैम्डा ए वन वन से मल्टीप्लाई हो गया, आई वन होगा जे टू होगा तो लैम्डा ए वन टू से मल्टीप्लाई हो गया, आई वन होगा जे थ्री तो तो इस तरह लैम्डा छः की छः एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह लैम्डा इसमें भी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी हर एक एंट्री, इसकी हर एक एंट्री के अंदर प्लस हो जाएगी, इसको नहीं लिखते मैं, इधर नहीं लिखा इस, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस हो जाएंगी। सो ये बन जाएगा लैम्डा ए आई जे प्लस लैम्डा बी आई जे, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ मैंने इन दो को प्लस किया है, मैंने इन दोनों मैट्रिक्स की छह एंट्रीज इसमें थी, छह एंट्रीज इसमें थी। सो मैंने इसकी एक पहली ए वन वन को लिया, बी वन वन में ऐड कर दिया, ए वन टू को लिया, बी वन टू में। सो हर एक एंट्री मैंने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड किया, तो वो सारी एंट्रीज इस तरह से मेरे पास आ जाएंगी। अब हर एक एंट्री में लैम्डा चूंकि मौजूद होगा, इसकी हर एंट्री में था, उसकी भी हर एंट्री में था, तो जब इनको प्लस करेंगे तो उसकी भी हर एक एंट्री में लैम्डा आएगा, तो उस लैम्डा को कॉमन भी निकाला जा सकता है हर एक एंट्री में से। तो ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स ए है उसकी सारी एंट्रीज समेत, और ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स बी है। सो ये मेरे पास आ गया
लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए थोड़ा लगता है कि हम इसमें कुछ कर नहीं रहे तो ये शायद ठीक नहीं है। हम ये बिल्कुल, यानी कि ये स्टेप्स आप लोग अगर आप इसको लिख लेते हैं A11, A12, बहरहाल मैं एक वीडियो उसकी भी अपलोड करूंगा, आपको पता चलेगा कि वो दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। जब आप इसको लिखते हैं लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि लैम्डा सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आई और जे वेरी कर रहे हैं इधर, ठीक है। लैम्डा हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, लैम्डा बी की हर 6 एंट्रीज के साथ लैम्डा आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और फिर आपने वो 6 इसकी 6 इसकी वो सारी एंट्रीज प्लस की हैं, बजाय कि आप इतना लंबा चौड़ा लिखते और उनको फिर प्लस करते, तो इसका वही मीनिंग है। अब इसकी भी हर एंट्री में लैम्डा, इसकी भी हर एंट्री में लैम्डा है, तो वो लैम्डा हमने उन सभी एंट्रीज में से कॉमन निकाला है। इसको लिख के भी आप करके देखना, थोड़ा आपको आइडिया होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इधर लिखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये मैंने 2x3 का एक मैट्रिक्स लिख लिया, मैंने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो लैम्डा हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं लैम्डा वैसे ही रहने दूं और इसको AIJ लिख दूं, इसको एक क्लोज फॉर्म में, तो देखें ये सेम वही चीज़ नहीं है, लैम्डा AIJ। इस तरह करने के बाद भी तो वही लिखना था ना, तो पहले ही वो लिख लें। हम क्यों ये बार बार मैट्रिक्स लिखें और उन सबको पहले प्लस करें और सारा इतना हम टाइम वेस्ट करें, इतनी अपनी जगह भी, और वैसे भी इसके अंदर ब्यूटी है, ये एग्जांपल ले लेनी और इस तरह का मैट्रिक्स, तो ये ठीक नहीं लगता। इस तरह ही इसको जो है, इसका बेस्ट मेथड इसका ये वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए दिया हुआ है, ए स्केयर दिया हुआ है, ए बी फाइंड करना है। मैं दोनों को आपस में इक्वल रख के ए बी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन इक्वल तभी रख सकता हूँ अगर ये ए स्केयर है तो ये भी ए स्केयर हो, या अगर ये ए है तो ये भी ए हो, तो मैं इसको ए स्केयर बना सकता हूँ। उसको तो ए बनाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, सो ए मुझे उसने दिया हुआ है 1A 2B, मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ए 1A 2B 1A 2B, ये बन गया ए स्केयर। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 प्लस 2 ए, सो 1 प्लस 2 ए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम अब आ गया, रो फर्स्ट वाली चार, सो 1 2 2 प्लस 2 बी, ए प्लस बी ए, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 2A प्लस B स्केयर। अब ये भी ए स्केयर बन गया मेरे पास, अब ये भी ए स्केयर है, ये भी ए स्केयर है, तो दोनों इस ए स्केयर की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो ये इस ए स्केयर की जगह पे आ जाएगा 0 0 0 0, सो ए स्केयर की वैल्यू पुट की मैंने इज इक्वल टू 1 प्लस 2A 2 प्लस 2B A प्लस BA 2A प्लस B स्केयर। 0 को इसके इक्वल करेंगे, 0 इक्वल टू 1 प्लस 2A, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, सो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल। सो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल किया और सेकंड वाले को सेकंड, 0 इक्वल टू 2 प्लस 2B, बस काफ़ी है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ए भी चाहिए वो मिल जाएगा। 2A प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ए उधर जाके माइनस हो गया, 2 नीचे आके डिवाइड, तो ए की वैल्यू माइनस, 2 प्लस 2B भी 0 के इक्वल है, 2B इक्वल टू माइनस 2, 2 नीचे आके डिवाइड होगा, सो बी की वैल्यू आ गई -1, सो मेरा सोल्यूशन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, 9 आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों ने ए और बी दिया हुआ है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल प्रूफ करेंगे आप लोग, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस बी, तभी ट्रांसपोज लिया जाएगा ना उसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करना है, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 3 2,
टू प्लस जीरो टू, जीरो प्लस वन वन, थ्री प्लस टू फाइव, वन प्लस माइनस वन जीरो। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे थ्री टू टू वन फाइव जीरो। मैंने बताया था कि रोज को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम, ये वाला रो ये भी कॉलम बन जाएगा। अब ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बनेगा वन माइनस वन टू जीरो थ्री वन। तो ए दिया हुआ उसने क्वेश्चन में, उसका मैंने उसमें रोज को मैंने कॉलम्स में चेंज कर दिया। बी ट्रांसपोज टू थ्री जीरो, अब इनको प्लस कर लेते हैं, वन प्लस टू थ्री, जीरो प्लस वन वन, माइनस वन प्लस थ्री टू, थ्री प्लस टू फाइव, टू प्लस जीरो टू, वन प्लस माइनस वन जीरो। सो प्रूव हो गया, हैंस ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस, दोनों का आंसर सेम है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप पहले प्लस करके बाद में ट्रांसपोज लें, या पहले दोनों का ट्रांसपोज ले लें ए और बी का, बाद में प्लस करें, तो आंसर सेम आता है। किसी भी मैट्रिक्स में जिस तरह के मर्जी ए और बी आप ले लें, सिर्फ उनकी एडिशन पॉसिबल हो, उनका ऑर्डर अगर सेम हो, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं होगा फिर तो ए प्लस बी ही नहीं निकलेगा। अगर ए और बी की एडिशन पॉसिबल है तो हमेशा ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल आता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने ए दिया है आपको और आपने उसको तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए क्यूब आप लोगों ने फाइंड करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल कोई कंसेप्ट इतना कोई नहीं है। ए को पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, वन फाइव, वन टू माइनस वन, थ्री सिक्स माइनस थ्री, वन फाइव माइनस टू, वन टू माइनस वन, थ्री सिक्स माइनस थ्री, अच्छा थ्री बाय थ्री, थ्री बाय थ्री, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन 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 प्लस फाइव माइनस सिक्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, वन प्लस फाइव माइनस सिक्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो वन प्लस टू माइनस थ्री, थ्री प्लस सिक्स माइनस नाइन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये सेकेंड रो शुरू हो गई यार, तीनों कॉलम्स अब आने हैं, रो सेकेंड ही रहेगी, तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फाइव प्लस टेन माइनस ट्वेल्व, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फाइव प्लस फोर माइनस सिक्स, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिफ्टीन ट्वेल्व एटीन, सेकेंड रो थर्ड रो अब शुरू हो गई है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस टू माइनस फाइव और माइनस माइनस प्लस सिक्स, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस टू माइनस टू प्लस थ्री, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, फाइनली एंड फाइनल एंट्री थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, माइनस सिक्स माइनस सिक्स और माइनस माइनस प्लस नाइन।
आंसर आ गया ए स्क्वायर का। 5 + 1 = 6, 6 में से 6 बाकी 0, 2 + 1 = 3, 3 में से 3 बाकी 0, 6 + 3 = 9, 9 में से 9 बाकी 0, 10 + 5 = 15, 15 में से 12 बाकी 3, 5 or 4 = 9 में से 6 बाकी 3, 15 + 12 = 27 में से 18 बाकी 9, -2 - -7 - 1 आ गया, -4 + 3 ये भी -1, -12 + 9 तो ये -3, सो दिस इज ए स्केयर। अब ए स्केयर को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ ताकि ए क्यूब बने। पहले आएगा 0 - 3 - 1 - 0 - 3 - 1 - 0 - 9 - 3 ये ए स्केयर का आंसर आ गया। और उसके बाद ए का आंसर आएगा, ए आपके पास था 1 - 5 - 2 - 1 - 2 - 1 और 3 - 6 - 3 इसको आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कंप्लीट करें क्वेश्चन को, आपको भी पता चले, आपकी भी प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में भी आप लिख सकेंगे। सो कंप्लीट करना है आपने इसको मल्टीप्लाई करके, इधर आप लोगों ने किसी लैदा पेज पे मल्टीप्लाई करके आपने इधर इसका आंसर लिखना है क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आप लोगों ने कह रहा है फाइंड एक्स, एक्स और एक मैट्रिक्स लिखा है और फिर इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से ये वाला मैट्रिक्स बनना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इस तरह से लिखा हो कि एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो आंसर आ जाता है 6, तो कहते हैं एक्स क्या होगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं एक्स होगा 3, क्योंकि एक्स नीचे जाकर डिवाइड होगा, सॉरी 2 नीचे जाकर डिवाइड होगा तो एक्स की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। तो इसी तरह से ये वाला मैट्रिक्स इधर आकर डिवाइड होगा, लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती, मैट्रिक्स में डिवीजन की जगह पे इन्वर्स होता है। सो इस मैट्रिक्स, क्योंकि जिस नंबर ने जाकर अगर 2 ने नीचे आकर डिवाइड होना है इधर, तो एक्स निकलना है आपके पास, तो बेसिकली 2 को आप ऊपर जाके लिख सकते हैं 2 का इन्वर्स, 2 की पावर -1, उसी तरह से ये नीचे आके डिवाइड होगा तो इसकी पावर ऊपर जाके बनेगी -1, ठीक है। तो हमने इसमें इन्वर्स का आइडिया यूज़ करना है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, आप लोग मैट्रिक में इसका इन्वर्स निकालना पड़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो मैं इधर इसका इन्वर्स तो नहीं निकाल रहा, फार्मूला मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं हम इन्वर्स निकाल लेंगे तो फार्मूला आपको ऑलरेडी इसका पता है। 3 by 3 में मैं जाके आपको इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और इसका फार्मूला भी बताऊंगा। सो हम कहते हैं कि लेट कर लेते हैं एक्स, इसको नाम दे देते हैं ए का इज इक्वल टू, और इसको नाम दे देते हैं बी का, और हम साइड पे बता देते हैं वेयर ए, मैंने किसको बोला है 5 - 2 = 1 और बी मैंने किसको बोला है -1 = 12 - 5 or 3 को। अब x आप लोगों ने निकालना है तो x इक्वल आएगा b, इस तरफ a है उस तरफ जाके बनेगा a इनवर्स, ठीक है। आप इसी तरह समझ लें, नीचे आके डिवाइड होगा और फिर, लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, a चूंकि पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इन्वर्स b के बाद आएगा। अगर आप इसका इन्वर्स b से पहले लिखेंगे तो 0 नंबर, कोई नंबर नहीं मिलेगा। सो x इक्वल टू b है इन्वर्स। अब a इन्वर्स आपको पता है, इधर साइड पे a इन्वर्स हम जो है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, या पहले a इन्वर्स निकाल, इसको 1 का नाम दे देते हैं, चलो ये 1 बन गया था ऑटोमेटिक, 1 निकल। a इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो ये इक्वल आ गया
ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए हमारे पास चूंकि ये है तो ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, साइड पे डिटर्मिनेंट का आंसर भी निकाल लेते हैं, 5 - 2 - 2 - 1, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 5 - 1 - 5 माइनस फार्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फार्मूला का यूज़ करते हैं और इसको इससे, सो -4 आंसर आ गया 5 + 4 = 9, सो ए का डिटर्मिनेंट तो 9 आ गया, सो वो इधर पुट कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए रह गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनकी जगह चेंज कर देते हैं मेन डायगोनल की, 1 इधर आ जाता है, 5 इधर आ जाता है, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये +2 हो जाएगा और वो प्लस वाला -2, मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, आप अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन भी यही है, मेन डायगोनल के पोजीशन चेंज करनी है और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और दरमियान में माइनस, सो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 1, 2 - 2 और 5, तो ए इनवर्स निकला, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 1 एज लिख देते हैं कि ए इनवर्स इस तरह इसके इक्वल होता है, तो एक्स 1 बन गया, एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स था, तो एक्स इक्वल हो गया, बी की वैल्यू तो मुझे पता है -1, 12, 5 और 3 मैंने उसको बोला था, और ए इनवर्स की जगह पे आ जाएगा 1 - 2, 2 और 5 डिवाइडेड बाय 9, तो ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 तो स्केलर है, इसको तो बाद में हम देखेंगे, सो एक्स इक्वल आ गया, 9 को शुरू, 1/9 को शुरू में लिख लेते हैं, ठीक है, आप इसके इधर 1 तो होगा ना, 1/9 लिख सकते हैं, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 + 10 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, -1 + 10 9 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 + 25 - 27 हो गया टोटल, 12 + 6 = 18 और -24 + 15 - 9, सो ये मैंने वो एक्स मैट्रिक्स जो निकालना था मेरा एक्स, इसके इस 9 को अंदर डिवाइड भी किया जा सकता है, इस तरह से भी आंसर को लिखा जा सकता है, आर एक्स इक्वल टू, अगर 9 इस स्केलर को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 कट गया, 9 = 3 = 27 क्योंकि डिवाइड होगा 9 उससे, 1 ऊपर है, 9 = 2 = 18, तो इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है दोनों, ठीक, यानी कि इस मैट्रिक्स को अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आएगा, ये हमने बेसिकली उसे बता दिया है, ये पूरे का पूरा सोल्यूशन है इसका। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है एक, आप लोगों ने ए को फाइंड करना है, ये उधर चला जाएगा लेकिन इसका उधर जाके इनवर्स अगर आप लोग करेंगे तो इसका आप लोग इनवर्स निकाल नहीं सकते इस मैट्रिक्स का, पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये एक स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास नहीं निकलता, ना ही एडजॉइंट निकलता है, सो इनवर्स बी नहीं निकलेगा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के फार्मूला से, क्योंकि ना तो आपको ए डिटर्मिनेंट मिलेगा और ना आपको इनवर्स मिलेगा, तो इधर तो प्रॉब्लम आ गई। कुछ लोग क्या करते हैं, जीरो को अंदर से ड्रॉप कर देते हैं दोनों तरफ से, तो मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स बच जाते हैं, तो उसका तो इन्वर्स निकल आता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि जीरो को आप ड्रॉप करें, पता नहीं किस रूल के मुताबिक लोग इसे ड्रॉप करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ बुक्स में भी है लेकिन आपको किसी अच्छी बुक में ऐसे नहीं मिलेगा। अगर इस 0, 0 की जगह मान लें 5, 1 - 2, 7 कुछ और आ जाए तो क्या आप उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं? 0, 0 से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कुछ और लिखा होगा 0, 0 के अलावा अगर आप उसे ड्रॉप करेंगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। अब इसको हम डिफरेंट वे में करेंगे, अब इसका क्या तरीका है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज़ 2 कॉलम्स 3/2,
इसका ऑर्डर कितना है? थ्री रोज टू कॉलम्स, इसका ऑर्डर भी 3/2। हम कह रहे हैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स से, तो ये आंसर आना चाहिए, इसके इक्वल आंसर आना चाहिए। अब ए क्या होगा, व्हाट शुड ऑर्डर ऑफ ए, ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए? फौरी तौर पे हम कह देते हैं टू क्रॉस, टू बाय कुछ ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तभी किया जा सकता है जब इसका ऑर्डर है 3/2। ठीक है, इधर देखिए मैं लिख रहा हूँ, पहले का ऑर्डर है 3/2, तो मैंने बताया था कि ये इसके नीचे सेम नंबर आना चाहिए जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। सो एक ऑर्डर होगा 2/something, सो 2 का तो पता लग गया, इसको देखते हुए कि जिधर से ये ख़त्म हो रहा है 2a उसी नंबर से शुरू होना चाहिए। ओके, दूसरा रह गया आगे वाला। अब जब इन दोनों को आप लोग कर लेते हैं, 3/2 को 2/something से कर लेते हैं, तो आंसर भी आपको पता है किस ऑर्डर का है, 3/2 का। मैंने कहा था ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, आपस में, और ये चीज बचती है बाकी आपके पास, ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद बाकी जो बचता है इधर और इधर वो आंसर होता है। सो इधर तो 3 बचा, वो तो 3 है, इधर जो बचना था वो साथ आना था आंसर, उस ऑर्डर का आना था, तो क्या होना चाहिए, 3/2 लिखा हुआ है ना, तो बराबर करने के लिए इधर भी 2 आना चाहिए, तभी 3, ये 2 से कटेगा तो 3/2 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो पहले पता था, दूसरा भी 2 आ रहा है, सो ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2, मुझे पता लग गया, कुछ ए ऐसा होगा, ए में 2 रोज होंगी, 2 का, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस तरह, उसको तो मैंने फाइंड करना है। मैं कह देता हूँ भाई ए बी सी डी इस टाइप का है ए, लेट कर लेते हैं कि ए ऐसा है, ए बी सी डी, 2 रोज वाला है, 2 कॉलम्स वाला है। अब इसको जाके क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं 503-101, ए हमने कहा है किस टाइप का होगा, ए बी सी, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, एल एम एन इस तरह से, या जो भी आपका दिल करे, ठीक है। मुझे फ़िलहाल इस मैट्रिक तो इनका मैंने पता चलाना है, ए बी सी डी क्या होंगे, अगर मुझे इनका पता चल गया तो ए तो मैंने फाइंड करना है, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 307-702, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5a-c, 5b-d, 0 0 0 ये आ गया, 0 0 ये आ गया, 3a+c और 3b+d, ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल लिख लिया, 307-702। अब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो पहली एंट्री पहली की इक्वल होगी, सो 5a-c इक्वल होगा 3 के, और ये इसके इक्वल होगा, और ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी, सो 3a+c इक्वल होगा 7 के। इनको ऐड कर लें आपस में, दोनों दो, एक फर्स्ट वाली और एक थर्ड से, दो क्वेश्चंस बनी हैं, -c + c से कैंसिल, 5 + 3 8a = 10, सो ए की वैल्यू आपको मिल गई, 8 नीचे आकर डिवाइड होगा 10/8, सो ए की वैल्यू आ गई 2 4 8 2 5 10, 5/, सो ए मिल गया मुझे 5/4। अब मैं ए की जगह पे लिख देता हूँ 5/4, उसके बाद ए की वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देता हूँ, फर्स्ट में ही कर देते हैं, 5 ए की जगह पे आ गया 5/4-c = 3, सो 25/4-c = 3, 25/4 उधर जाकर माइनस होगा, सो सी की वैल्यू आ जाएगी 3-25/4, सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, 4 एलसीएम आ गया, 12 में से 25 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12 और 12 -13/4, तो ये बी की वैल्यू नहीं सी की वैल्यू -13/4। अब इसको इसके इक्वल लिखते हैं, 5b-d = -7, 3b+d = 2,
डी डी से कैंसिल हो गया, एट बी इक्वल टू माइनस फाइव, सो बी की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाय एट, सो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस फाइव बाय एट, डी की रह गई, बी की वैल्यू किसी में पुट करते हैं तो डी की वैल्यू पुट करने से मान लेते हैं दूसरी में पुट थ्री, बी की जगह पे पुट कर देते हैं माइनस फाइव बाय एट प्लस डी वन में भी इसमें भी कर सकते हैं मर्जी है आप, इज इक्वल टू टू, तो इधर से डी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, ये उधर जाके प्लस होगा टू प्लस फिफ्टीन बाई एट होगा ना, एट एलसीएम आ जाएगा तो सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन थर्टी वन बाई एट, तो ये मैंने ए को निकाल लिया, ये मेरा आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 14 इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।